हेलो एवरीवन, बायोलॉजी पॉडकास्ट चालू है। वॉल्यूम 9 आपके सामने है। ए प्लस द्रोणा इंस्टीट्यूट में जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है वो है संडे को, अपकमिंग संडे। और चूँकि आज 5th of August है तो अपकमिंग संडे जो भी डेट पड़ेगी 8-9 वहाँ पे एग्ज़ाम होगा। 60 क्वेश्चंस आएंगे 60 मिनट्स के लिए और टॉपिक हमारा है 60 क्वेश्चन का इकोलॉजी। तो आज हम लोग इकोलॉजी का पूरा रिवीजन करेंगे, टॉपिक कवर करेंगे। डेली होगा इकोलॉजी का रिवीजन। याद रखिएगा, इकोलॉजी फादर ऑफ इकोलॉजी जो इंडिया में है वो है रामदेव मिश्रा। और अगर बात होगी पूरे वर्ल्ड की, मतलब फादर ऑफ इकोलॉजी की बात होगी, तो वो होंगे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था, जो कि आपके कोर्स में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कब बनाया गया? 1984 में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट 1984 में बनाया गया। और जो भी लोग ये वाला एग्ज़ाम देना चाहते हैं ऑनलाइन, मैं उन पर भेज दूंगा। आप लोग बस एक बार मैसेज कर देना, है ना, नंबर आपको हमेशा अवेलेबल रहता है, तो आप कभी मैसेज कर देना, मैं ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम आपको भेज दूंगा, आप सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन देख लेना। इकोलॉजी टर्म जो दिया था वो दिया था अर्नस्ट हैकल ने दिया था, तो इस तरीके से रामदेव मिश्रा का नाम याद रखना। और नेशनल कमेटी फॉर एनवायरनमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में इसको किया गया था। ठीक है, देखिए, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए रेनफॉल का वेरिएशन देखने को मिलता है तो ट्रॉपिकल पे देखने को मिलता है, और सबसे कम रेनफॉल का वेरिएशन हमें डिजर्ट एरिया में देखने को मिलता है। टेम्परेचर वेरिएशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन जो देखने को मिलता है वो ग्रासलैंड में देखने को मिलता है, और सबसे कम टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिलता है हमें ट्रॉपिकल में। तो इस बात को भी याद रखना। और रीजनल और लोकल वेरिएशन की वजह से ही ये वैरायटी ऑफ जो हैबिटेट्स बने हैं वो हमारे बने हैं। ठीक है, बायोम कभी भी एक्वाटिक नहीं होता है। मैंगो ट्री जो होता है वो टेम्परेट कंट्री में नहीं पाए जाते। टेम्परेट कंट्री लाइक कनाडा, जर्मनी, जितने भी क्या है टेम्परेट रीजन के कंट्री हैं, वहाँ पर मैंगो ट्री ग्रो नहीं कर सकते। और क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो सकता है। एंजाइम काइनेमेटिक्स जो होती है वो, उसको एक क्या चाहिए होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए खाली आम बस भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस सब एरिया में खा लो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और कहीं नहीं खाने को मिलेगा। स्नो लेपार्ड जानते हो, वो सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाते हैं, स्नो एरिया में, यानी कि पोलर रीजन में पाया जाएगा स्नो लेपार्ड। केरला फॉरेस्ट में नहीं पाया जाएगा, ट्रॉपिकल रीजन में नहीं पाया जाएगा। उसी तरीके से टूना फिश है, वो आपको ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के बियॉन्ड मुश्किल है उसका पाना। जब भी याद रखिए, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से पोल जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड, और जब किसी भी प्लेन से, सी लेवल से माउंटेन की तरफ जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। तो कोई भी जो बायोम होता है उसमें दो मेजर फैक्टर होते हैं, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। मोस्टली हमें इसमें एबायोटिक फैक्टर पढ़ना है, और एबायोटिक फैक्टर में भी मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर जो होता है वो टेम्परेचर होता है। जो लोग ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेते हैं उनको हम लोग यूरीथर्मल कहते हैं, और जो लोग कम नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं उनको हम लोग स्टीनोथर्मल कहते हैं। तो इस बात को भी आप लोग यहाँ याद रखना, ठीक है, यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल। ठीक है, अब देखिए, वाटर भी हमारा सेकंड मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर होता है, और जो लोग पानी में रह रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि उन लोगों को पानी की कमी नहीं होती। साल्ट का कंसंट्रेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है, पानी का पीएच क्या है, वाटर की क्वालिटी क्या है, ये सब भी इम्पॉर्टेंट वहाँ पे इम्पॉर्टेंस रखती है। तो जान रखिए, जो जमीन के नीचे जो पानी होता है यानी कि इनलैंड वाटर, उसमें भी साल्ट का कंसंट्रेशन लेस देन 5 parts per 1000। साल्ट को हम सैलिनिटी कहते हैं, साल्ट को जब भी हम लोग पानी में मेज़र करते हैं तो इसको सैलिनिटी कहते हैं, और इसको पीपीएच में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पार्ट पर 1000। ठीक है, सी पानी, समुद्र का पानी लोगे तो उसमें 30 से 35 कंसंट्रेशन आपको मिलेगा, पार्ट्स पर 1000 जो है सॉइल उसका मिलेगा साल्ट का। और अगर हाइपर सेलाइन लैगूंस जो होते हैं उनमें मोर देन 100 हमें मिल जाता है। लाइट भी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें डाईयूरिनल सीजनल वेरिएशन ये सब देखने को मिलती है। और एक मिनट, हाँ जी, तो आपसे मैं ये बोल रहा था कि जो इनलैंड वाटर है उसमें लेस देन 5 parts per 1000 देखने को मिलता है साल्ट, सी में 30 से 35, और हाइपर सेलाइन लगून में हमें मोर देन 100 देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारे पास यहाँ पर लाइट भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है। अब कहने को तो सॉयल भी बहुत अच्छा फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है, जो कि डिसाइड करता है कि वहाँ पर कौन सा कैसा वेजिटेशन होगा। सॉयल कैसे बनता है, वेदरिंग से बनता है, टूटता है, है ना। और फर्टाइल सॉयल का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। एक मिनट, काफ़ी शोर हो रहा होगा।
तो इस तरीके से हमें मिलता है। अब टोपोग्राफी क्या होती है? टोपोग्राफी एक वर्ड यूज़ होता है इकोलॉजी में, मतलब किस ऊंचाई पे क्या है, ठीक है। ऊंचाई और निचाई को टोपोग्राफी कहते हैं। कुछ सॉयल थोड़ा हाइटेड रीजन में होते हैं, कुछ थोड़ा बेस में होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोपोग्राफी कहते हैं। और एक होता है टिम्बर लाइन, एक वर्ड यूज़ होता है टिम्बर लाइन, कि जैसे माउंटेन पे जितना आप ऊपर बढ़ते जाओगे उतना ही जो लकड़ी होगी वो कम होती जाती है। तो उसको एक पोजीशन पे जाने के बाद माउंटेन में जो लकड़ी का अमाउंट होता है, जो लकड़ीदार लकड़ियाँ होती हैं, पेड़ होते हैं, वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग टिम्बर लाइन कहते हैं, जिस पोजीशन पे वो रिड्यूस होना स्टार्ट होता है, ठीक है। सॉयल किस चीज़ से बना होता है, सॉयल कंपोजिशन, तो याद रखें सॉयल जो होता है मिनरल, ऑर्गेनिक, वाटर और एटमॉस्फेयर, इन सब चीज़ों से बना होता है। और परकोलेशन क्या होता है, पानी बरसने के बाद जितना पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है इसको हम लोग कहते हैं परकोलेशन, और जितना पानी वहाँ रुक जाता है उसी सॉयल में जहाँ गिरता है उसी को कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर किसी सॉयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि पानी ज़मीन के अंदर कम जाएगा। और छोटे मॉलिक्यूल्स अगर रहेंगे, जैसे कुछ सॉयल होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वाले, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ग्रेन साइज छोटा छोटा होता है, कुछ बड़ा बड़ा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग भी सॉयल जो होता है वो तीन तरह का होता है, सैंड होता है, सिलिट होता है, क्ले होता है। क्ले देखिए हमेशा वो उसको किसी किधर भी मोड़ के कुछ भी बना दो तो क्ले के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो क्ले को आप किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हो। तो क्ले क्या करता है, वाटर होल्ड करता है। तो जो भी क्ले वाले सॉयल जहाँ होते हैं वहाँ पे जब बारिश होती है तो परकोलेशन कम होता है, पानी ज़्यादा नहीं जाता अंदर क्योंकि ऊपर ही पानी होल्ड हो जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले इज़ हाई। और जहाँ सैंडी सॉयल होता है उनके ग्रेन साइज बड़े होते हैं, पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो सॉयल तीन तरह के होते हैं, सैंड, स्लिट और क्ले, ठीक। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब जो लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट बनाए रखते हैं उनको हम लोग रेगुलेटर कहते हैं। कियोलाडो नेशनल पार्क जो है वो भरतपुर में है, जहाँ पर राजस्थान भरतपुर में है, जहाँ साइबेरियन बर्ड आती हैं, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए, जब भी प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले रिप्रोडक्टिव स्टेज से ज़्यादा होंगे तो ऐसा पॉपुलेशन जो होता है वो एक्सपेंडिंग होता है। क्या होता है, एक्सपेंडिंग होता है, ठीक है। पॉपुलेशन में बर्थ और डेथ नहीं होते, पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट हुआ करते हैं। नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, मॉर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, और नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट। कोई भी पॉपुलेशन को बढ़ाता कौन है, बर्थ, वहाँ पर होने वाला बर्थ और वहाँ पर आए हुए लोग, यानी कि आई माइग्रेशन। और घटाता कौन है, डेथ और वहाँ से जाने वाले लोग, यानी ई माइग्रेशन। याद रखिएगा इस बात को, है ना। और एक्सपोनेंशियल कर्व जो होता है वो ये बताता है कि पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, वो अनलिमिटेड है, और वहाँ पर हम लोग पॉपुलेशन का ग्रोथ भी क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड कर सकते हैं। और आर मतलब होता है यहाँ पर रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और फार्मूला क्या निकल के आता है, डिफरेंशिएशन dn अपॉन dt इक्वल टू rn, एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। और लॉजिस्टिक का क्या होता है, dn अपॉन dt इक्वल टू rk माइनस n अपॉन k, इसको कहते हैं हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ। dn अपॉन dt इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k होता है। तो बस आप सुनते रहो और जैसे ही सामने आएगा वैसे टिक लगा लेना। म्यूटलिज्म में दोनों को फायदा होता है, दोनों स्पेसीज फायदेमंद होती हैं, ठीक है। जैसे प्लांट और एनिमल रिलेशनशिप, ठीक है। कंपटीशन में दोनों को घाटा होता है, प्रीडेसर में जो प्रीडेटर होता है उसको फायदा होता है और जो प्रे होता है उसको घाटा होता है। तो आप जान सकते हो, कमेंसलिज्म का एक वीडियो भी मैंने डाला है इसी चैनल पे, है ना। प्रूडेंट बिहेवियर क्या होता है, कोई भी प्रीडेटर प्रे को इतना नहीं खा लेता है कि उसकी पॉपुलेशन ही प्रे की ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर प्रे की पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी तो प्रीडेटर भी, उसको खाना नहीं मिलेगा तो प्रीडेटर भी क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो यह भी बात आपको याद रहना चाहिए, है ना। किसी भी चीज़ को बिना केमिकल के, सिर्फ बायोलॉजिकली किसी चीज़ को, किसी प्रे को कंट्रोल करना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज हो गए हैं तो छिपकली को इंट्रोड्यूस कर दिया, विदाउट केमिकल किसी प्रे को ख़त्म करना, इसे कहते हैं हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक लास्ट बात मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा रिवीजन तो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि रिवीजन थोड़ा इंटेंस करवा रहा हूँ इकोलॉजी का। अगर बने रहोगे तो पूरा का पूरा रिवीजन इसी रेडियो के माध्यम से हो जाएगा। एक डिजीज आती है मिनीमाटा डिजीज, मिनीमाटा। ये मिनीमाटा डिजीज जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, और ये हो जाती है मरकरी के पॉइजनिंग से। ये मरकरी, ये कौन सा एलिमेंट है, मरकरी के पॉइजनिंग से ये हो जाती है, और ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुई थी जापान में, जापान के मिनीमाटा बे में बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुई थी। तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज है। इसी से एक याद आ रहा है, भोपाल ग्रेस्ट जो है ट्रेजिडी हुई थी भोपाल में,
जो कि 2 दिसंबर को शुरू हुई थी रात में और 3 दिसंबर तक हुई थी। बहुत लोगों की जान गई 1984 में। हुआ क्या था कि मेथिल आइसोसाइनेट नाम का एक केमिकल कंपाउंड जो है उसमें वाटर मिल गया था जाकर, और जो गैस लीक हुई रात में, फिर किसी को भागने का बहुत लोगों को मौका नहीं मिला, आसपास के इलाके में तबाही मच गई, काफ़ी लोग मरे। कंपनी का नाम अगर आपसे इस साल पूछ ले तो याद रखना यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UCC याद रखना, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी थी। और भोपाल गैस ट्रेजेडी का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आई होप आप सभी लोग नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार हो रहे होंगे। इकोलॉजी अपने आप से भी टेस्ट कर लेना, पूरी इकोलॉजी का रिवीजन यहाँ पर आने वाले 2 सीरीज़ में होगा। पुराना सब कुछ सुनते रहना, बस थैंक यू।